फ्रेंड्स, मैं आशीष देवांगन आप सभी का देवांगन क्लासेस में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एसआई में जो ऐसे पूछ रहे हैं उसका एक टॉपिक लेकर के आया हूं। दोस्तों देखिए, मुझे मालूम तो नहीं है कि ऐसे पक्का आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्शन चल रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, आपका जो सिलेबस है उसमें बोला गया है कि ऐसे का टॉपिक। मैं पिछले बार का मेंस की बात करूंगा तो उसमें भी ऐसे पूछा था, लेकिन इस बार लास्ट अभी जो रिजल्ट, अभी जो करना चाहिए रिजल्ट आए उसके नीचे जो दिया हुआ है उसमें ये बोल दिया है कि सारे प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। अब ये क्या बात हुई भाई? अब एक बार बोलते हो कि आपका ऐसे आएगा तो ऐसे को आप कैसे ऑब्जेक्टिव में लिखोगे? तो मुझे लगता है कि ऐसे का टॉपिक आएगा, तो कम से कम आप 2 से 3 ऐसे एक बार देख लीजिए। आ गया तो कम से कम लिख सको। तो एक आपका नक्सल पे तैयार करके रखो, एक आपका साइबर क्राइम पे तैयार करके रखो, एक आज जो मैं जो बोल रहा हूँ उस पे तैयार करके रखो। आज का टॉपिक है कि मैं क्यों पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। Why I want to become a police officer? एकदम सिंपल लैंग्वेज पे समझाऊंगा मैं आपको, हिंदी में समझाऊंगा, जिसको आप ट्रांसलेट करके इंग्लिश में आप एग्जाम में लिख सकें। एकदम इजी वे पे मैं बनाया हूँ, आप इसको देखिए, एक आइडिया मिल जाएगा, ताकि एग्जाम में आ गया तो लिख सको और कम से कम 7-8 नंबर पा सको। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, टॉपिक है Why I want to become a police officer। ठीक है, अब एक एक सेंटेंस को ध्यान से समझिएगा, एकदम इजी लैंग्वेज पे मैं लिखा हूं। देखिए, इन अवर सोसाइटी अ डॉक्टर इज नीडेड टू ट्रीट पीपल। मतलब लोगों के इलाज के लिए जैसे डॉक्टर की आवश्यकता होती है हमारे समाज में एक डॉक्टर की आवश्यकता होती है टू ट्रीट पीपल। लोगों के इलाज के लिए जैसे डॉक्टर की आवश्यकता होती है। एन इंजीनियर इज नीडेड टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग। इंजीनियर की आवश्यकता होती है बिल्डिंग्स बनाने के लिए। अ गुड टीचर, अच्छे टीचर की आवश्यकता होती है, इज नीडेड फॉर गुड एजुकेशन। अच्छे शिक्षा के लिए अच्छे टीचर की आवश्यकता होती है। सिमिलरली वैसे ही पुलिस इज ऑल्सो नीडेड, वैसे ही पुलिस की भी आवश्यकता होती है। टू मेंटेन पीस, शांति बनाए रखने के लिए हमारे समाज में। इतना क्लियर, ये जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। क्या बोला मैं, एक डॉक्टर की आवश्यकता होती है लोगों के इलाज के लिए, इंजीनियर की आवश्यकता होती है लोगों के घर बनाने के लिए, ठीक है, एक अच्छे टीचर की आवश्यकता होती है अच्छे शिक्षा देने के लिए, वैसे ही एक पुलिस ऑफिसर की आवश्यकता होती है हमारे समाज में शांति बनाए रखने के लिए। ये जनरल इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, मैं अपने हिसाब से मैं सोच करके लिखा हूं, इसमें आप कुछ प्लस माइनस कर सकते हो, ठीक है। अगला है, वेन एवर आई हियर द वर्ड पुलिस, जब भी मैं शब्द पुलिस सुनता हूं, जब भी मैं पुलिस शब्द सुनता हूं, आई फील विथ एक्साइटमेंट, मैं रोमांच से भर जाता हूं। क्या बोल रहा हूं मैं, जब भी मैं पुलिस नाम का शब्द सुनता हूं मैं रोमांच से भर जाता हूं, क्योंकि सिंस चाइल्डहुड माय ड्रीम इज टू बिकम अ पुलिस ऑफिसर। क्योंकि बचपन से ही मेरा सपना है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर बनूं। क्लियर, तो मैं पहला लाइन क्या बोला, जब भी मैं पुलिस नाम का शब्द सुनता हूं मैं रोमांच से भर जाता हूं, क्योंकि बचपन से ही मेरा पुलिस ऑफिसर बनने का सपना है। अब क्यों सपना है उसके बारे में आगे मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं। आगे, दे आर द रियल हीरो ऑफ अवर कंट्री, वे हमारे देश के एक रियल हीरो हैं, वास्तविक हीरो पुलिस ही हैं। इंडियन फिल्म एंड सिनेमा हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग देम अवर हीरो। मतलब भारतीय फिल्म और थिएटर सिनेमा बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किए हैं उनको रियल हीरो बनाने में, ठीक है। क्योंकि हम देखते हैं कि रियल हीरो सिनेमा से ही तो देखते हैं कि हर चीज वो कर सकता है, तो हमारे हीरो कौन है, मैं बताया कि देश के हमारे हीरो हैं पुलिस, और ये जो सिनेमा और थिएटर है इनको और महत्वपूर्ण बनाने में एक बहुत अच्छा रोल अदा किए हैं। आगे, वेन आई वॉज चाइल्ड, अब मैं एक कहानी सुना रहा हूँ कि क्या क्या था, मैं क्यों बनना चाह रहा हूँ, उसकी कहानी मैं इसमें गढ़ रहा हूँ, ये मेरी कहानी है, आप अपना कहानी बना सकते हो। देखो, वेन आई वॉज अ चाइल्ड,
जब मैं बच्चा था, छोटा था, देयर वॉज अ पुलिस अंकल लिविंग इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में एक पुलिस अंकल रहा करते थे। जब मैं बच्चा था तो मेरे पड़ोस में एक पुलिस अंकल रहा करते थे। हु वॉज वेरी नाइस पर्सन, जो बहुत ही बढ़िया अच्छे इंसान थे। ठीक है, एज अ पुलिस ऑफिसर के रूप में ही ऑलवेज यूज्ड टू हेल्प अदर्स लीगली। मतलब एक पुलिस ऑफिसर के रूप में वे हमेशा लोगों की कानूनी मदद करते थे। टू यू यूज टू हेल्प अदर्स लीगली, कानूनी मदद किया करते थे लोगों का। विच अ कॉमन मैन कैन नॉट डू, मतलब एक कॉमन व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति जिसे नहीं कर सकता। कानूनी मदद मैं कर सकता हूँ क्या? मैं कॉमन आदमी हूँ तो नहीं कर सकता। मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ, फाइनेंशियली मदद कर सकता हूँ, लेकिन कानूनी मदद नहीं कर पाऊंगा। लेकिन पुलिस व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कानूनी मदद कर सकते हैं लोगों के। उसी चीज को लिखा हूं मैं कि जो मेरे पड़ोस में जो अंकल रहते थे वे बहुत अच्छे थे, वे लोगों की मदद करते थे। कैसे? अच्छे व्यक्ति थे, नॉर्मल मदद तो करते थे, साथ में कानूनी मदद भी किया करते थे। इतना क्लियर? आगे, आई हैव बीन इंस्पायर्ड, मैं इंस्पायर्ड हूँ बाई हिम, उनसे बहुत ज्यादा। मैं उनसे बहुत ज्यादा क्या था? इंस्पायर्ड था, इंस्पायर्ड हूं अभी भी। ठीक है, दैट्स वाई, इसीलिए। दैट्स वाई का मतलब क्या होता है? इसीलिए आई ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम अ पुलिस ऑफिसर, इसीलिए मैं भी पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। कहानी सुना दिया मैं कैसे कैसे क्या क्या था। अब मैं बोल रहा हूं कि इसी सब कारण से मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसका मतलब है के अलावा, इनके अलावा, ऊपर जो कहानी मैं गढ़ा हूं उनके अलावा। देयर आर सिंगल आर रहेगा, देयर आर सम अदर रीजंस, इनके अलावा कुछ अन्य कारण भी हैं जो मुझे इंस्पायर करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सम अदर रीजंस, उनके अलावा भी कुछ अन्य कारण भी है विच इंस्पायर, जो मुझे प्रेरित करता है। इंस्पायर मतलब प्रेरित करता, प्रेरणा देना। ठीक है, प्रेरित करता है मुझे टू बिकम अ पुलिस ऑफिसर, मतलब इनके भी अलावा अन्य कारण है जो मुझे पुलिस ऑफिसर बनने से प्रेरित करता है। यहां तक एकदम क्लियर है? अब क्या क्या कारण है एक एक करके और कुछ कुछ मेंशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक तो कर दीजिए। आपका एक लाइक बटन मुझे ऐसे वीडियो बनाने के लिए मुझे भी इंस्पायर करता है। ठीक है, और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लोगों में शेयर करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या क्या और अन्य कारण है जिसके कारण मैं ये जो कहना चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट का है, इस पोस्ट को चूज कर रहा हूं। देखते हैं, पहला, बींग अ पुलिस ऑफिसर आई वॉन्ट टू इंश्योर, बींग अ पुलिस ऑफिसर होने के नाते आई वॉन्ट टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ अवर पीपल, मैं अपने लोगों के या आम जनता के सिक्योरिटी, और उनको क्या करना चाहता हूं? अपने लोगों के सुरक्षा को इंश्योर करना चाहता हूं। इतना क्लियर? मतलब एक पुलिस ऑफिसर बनकर या एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते यदि मैं पुलिस ऑफिसर बनता हूं, उस नाते मैं लोगों को सुरक्षित रखना चाहता हूं, उनकी सिक्योरिटी को चाहता हूं, यह बोलना चाह रहे। अगला है, आई ऑल्सो वॉन्ट टू यूज द पावर, मैं उस पावर को यूज करना चाहता हूं दैट अ पुलिस ऑफिसर है, मतलब जो एक पुलिस ऑफिसर प्राप्त करता है। देखिए यह निगेटिव सेंस नहीं है, पुलिस ऑफिसर वर्दी का जो पावर होता है वो एक अलग पावर है, उस पावर को मैं यूज करना चाहता हूं। अब इसको गलत सेंस में ना ले, उसको मैं आगे डिस्क्राइब किया हूं ना, तो मैं बोलता हूं आई ऑल्सो वॉन्ट टू यूज द पावर। ठीक है, मैं उस पावर को यूज करना चाहता हूं, उपयोग करना चाहता हूं दैट अ पुलिस ऑफिसर है, जो एक पुलिस ऑफिसर के पास होता है। ठीक है, एंड दैट द क्रिमिनल्स आर अफ्रेड ऑफ, मतलब देखो कुछ लड़ाइयां हो रही है तो मैं जाऊंगा तो मुझे भी मार पड़ सकती है, मुझे भी हार्म पहुंच सकता है, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर खड़ा है और वहां लड़ाई हो रहा है तो दो लड़ाई करने वाले भी सोचते हैं वर्दी देख करके। मैं ऐसे पावर का यूज करना चाह रहा हूं, कोई रास्ते में आप जा रहे होते हो, कोई अब्यूज कर दिया, गाली गलौज कर दिया, किसी दूसरे को कर रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसको आप सुलझा पाओगे क्या? नहीं, आप बोलोगे जाकर के भैया यहाँ गाली मत दो, पब्लिक यहाँ खड़ी है गाली मत दो, आपको गाली देना स्टार्ट कर देगा वो बंदा। लेकिन आप पुलिस रहोगे तो क्या आपको वो गाली दे पाएगा क्या? नहीं,
नहीं दे पाएगा। तो पुलिस के पास एक आम आदमी से ज्यादा पावर हुआ कि नहीं हुआ? मैं उस पावर को यूज करना चाहता हूं, मैं उस पावर को यूज करना चाहता हूं जो एक्चुअल में आम जनता के पास नहीं होता, पुलिस के पास ही होता है। और जिनसे, आगे लिख दियो मैं, एंड दैट द क्रिमिनल्स आर अफ्रेड ऑफ, और जिनसे क्रिमिनल्स भी डरते हैं, उस पावर को मैं यूज करना चाहता हूं। ओके ना, गलत चीज के लिए नहीं, अच्छे सेंस में कहा जा रहा है। आगे तीसरा पॉइंट है, देखो, आई वॉन्ट टू इंड द क्राइम, मैं अपराध को समाप्त करना चाहता हूं इन माई लोकल एरिया, इन माई लोकलिटी, मतलब मैं जहां आसपास रहता हूं उस आसपास के एरिया में क्राइम को खत्म करना चाहता हूं। और मेरे एरिया में खत्म हुआ, ऐसे 10 लोग सोचना स्टार्ट किए तो पूरा डिस्ट्रिक्ट का एक खत्म हो जाएगा क्राइम, ऐसे ही पूरे दुनिया का खत्म, मतलब देश का खत्म हो जाएगा। देन सो इन माई कंट्री, तो पहले तो मैं अपने लोकल एरिया के जो क्राइम है उसको खत्म करना चाहता हूं, और साथ में इसी के बढ़ते क्रम में मैं अपने देश में भी क्राइम को समाप्त करना चाहता हूं। क्लियर है, आइडिया मिल रहा है, मजा आ रहा है ना? बस एकदम सिंपल लैंग्वेज में है, एक आध बार पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में डाल दूंगा आपके नेट में, आपके इसमें टेलीग्राम में। और अभी तक आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें मैं आपको डाल दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट क्या बता रहा हूं, आफ्टर बींग अ गुड पुलिस ऑफिसर, एक अच्छा पुलिस ऑफिसर बनकर, आफ्टर बींग बनकर अ पुलिस ऑफिसर, अच्छा पुलिस ऑफिसर, गुड, अच्छा पुलिस ऑफिसर बनकर, आई वॉन्ट टू हेल्प, मैं मदद करना चाहता हूं, अच्छा पुलिस ऑफिसर बनकर मैं मदद करना चाहता हूं, एंड प्रोवाइड लीगल सपोर्ट, मैं कानूनी मदद करना चाहता हूं, मैं प्रोवाइड करना चाहता हूं लीगल कानूनी सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहता हूं लोगों को। इसका मतलब क्या हो गया, एक अच्छा पुलिस ऑफिसर बनकर या एक पुलिस ऑफिसर बनकर मैं मदद करना चाहता हूं, कानूनी सपोर्ट करना चाहता हूं, देना चाहता हूं, लाइक जैसे मेरे नेबर पड़ोसी पुलिस अंकल यूज्ड टू डू, जैसे कि मेरे पड़ोसी जो पुलिस अंकल थे वो मदद किया करते थे, ठीक वैसे ही मैं भी मदद करना चाहता हूं। ठीक है, आगे द न्यूज, समाचार ऑफ इंक्रीजिंग क्राइम, ठीक है, अपराध के बढ़ते हुए समाचार, अपराध जो बढ़ रहा है जिसका न्यूज मैं सुनता हूं, ठीक है, तो बढ़ते हुए अपराध के दर को सुनकर मैं उनसे इंस्पायर हूं कि मैं उसको खत्म करूं, इसलिए मैं पुलिस बनना चाहता हूं, ये बोलना चाह रहे। देखो, द न्यूज ऑफ इंक्रीजिंग क्राइम रेट, ठीक है, समाचार बढ़ते हुए अपराध दर, अपराध दर जो बढ़ रहा है उसको जब मैं सुनता हूं तो उसको खत्म करने के लिए मैं इंस्पायर होता हूं, इंस्पायर्स मी टू बिकम अ पुलिस, उससे मैं इंस्पायर होता हूं कि अपराध बढ़ रहा है, इस अपराध को मैं क्या करना चाहता हूं, कम करना चाहता हूं, अपराध बढ़ता देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं पुलिस ऑफिसर रहूं तो मैं इसको खत्म कर दूं, ये भी मुझे इंस्पायर करता है पुलिस ऑफिसर बनने के लिए। तो ये 4-5 पॉइंट आप बता दोगे, इसमें ही आपका चेकर जो खुश हो जाएगा, 10 में 9 नंबर तक दे देगा, सेम टू सेम आप लिख दोगे तो मैं ले रहा हूं गारंटी आपकी। ठीक है, चलिए अगला, आगे फिर अब जनरल हो गया, आगे कुछ कुछ और बताएंगे, इसके बाद कंक्लूड कर देंगे, थोड़ा सा और बचा है। डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल लिव इन द सोसाइटी, अलग अलग तरह के लोग सोसाइटी में, हमारे समाज में रहते हैं, एंड देयर कंफ्लिक्ट्स आर आल्सो अराइज, अलग अलग, भाई 4 बर्तन साथ में रहेंगे तो बर्तन में टकराव तो होगा ना, वही बोलना चाह रहा है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल लिव्स इन अवर सोसाइटी, मतलब हमारे समाज में तरह तरह के लोग रहते हैं और उनके बीच में थोड़े संघर्ष की भावना भी पनपती रहती है। ठीक है, यही बोलना चाह रहे हैं। इट इज द ड्यूटी ऑफ पुलिस, यह पुलिस का कर्तव्य है, पुलिस का ये क्या है, कर्तव्य है, टू मेंटेन पीस, शांति व्यवस्था बनाए के रखे, जो संघर्ष हो रहा है इस संघर्ष को खत्म करके शांति बनाए रखे, ये पुलिस का कर्तव्य है। एंड प्रिवेंट, और रोके, प्रिवेंट मतलब रोकना, और रोके एनी काइंड ऑफ क्राइम, किसी प्रकार, किसी भी प्रकार के अपराध को रोके हमारे समाज में, मतलब क्या हो गया कि समाज में तरह तरह के लोग रहते हैं हमारे सोसाइटी में और उनके बीच में एक संघर्ष की भावना बनी रहती है, तो पुलिस का यह कर्तव्य है कि उस संघर्ष को क्या करे, मेंटेन करे, कम करे, और साथ में अपराध जो भी समाज में हो रहे हैं उनको रोके। इतना क्लियर, अब हम कंक्लूड करने जा रहे हैं, कंक्लूजन आएगा। ठीक है, ये पैराग्राफ कंक्लूजन का है, कंक्लूड करके खत्म करने, छोटा सा है, छोटा है लेकिन सॉलिड।
ठीक है। पुलिस इज लिविंग इंस्टीट्यूट, पुलिस एक लिविंग मतलब होता है जीवंत सजीव, पुलिस एक जीवंत संस्था है, पुलिस क्या है एक जीवंत संस्था है, विच हैज पावर जिनके पास एक शक्ति होती है टू कैच पकड़ने की क्रिमिनल्स को पकड़ने की, ठीक है। तो पूरा लाइन का मीनिंग क्या हो गया, पुलिस एक जीवंत संस्था है, जीवंत संस्था है जिनके पावर जिनके पास अपराधियों को पकड़ने की एक शक्ति होती है, ठीक है। एंड और इट डेवलप्स पॉजिटिव एटीट्यूड इन अवर सोसाइटी, यह हमारे समाज में एक सकारात्मक विचार उत्पन्न करता है। क्या पुलिस एक जीवन संस्था है जिनके पास अपराधियों को पकड़ने की शक्ति होती है, मतलब हमारे मन में यह रहता है कि पुलिस तो है अपराध को खत्म करने के लिए, अपराधी को पकड़ने के लिए, यही चीज समाज में एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाता है, ये बोलना चाहते हैं। फॉर ऑल दिस रीजन, इन्हीं सब कारणों, सब घुमा रहा हूं मैं उसको, इन्हीं सब कारणों से आई वॉन्ट टू बिकम अ पुलिस ऑफिसर, इन्हीं सब कारणों से मैं एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूं, इतना क्लियर। अब इसी में थोड़ा सा निगेटिव डालूंगा और उसे मैं फिर लास्ट में पॉजिटिव कर दूंगा, कैसे ध्यान दो। बट लेकिन इट हैज ऑफन बीन सीन, ऐसा अधिकतर देखा गया है, इट हैज ऑफन अधिकतर बीन सीन, ऐसा अधिकतर देखा गया है, अब बता रहा हूं कि निगेटिव थोड़ा सा, लेकिन ऐसा देखा गया है कि दैट मतलब कि अलोंग विद द क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स तो डरते ही हैं पुलिस से, अलोंग विद क्रिमिनल्स अपराधियों के साथ साथ द कॉमन पीपल आम जनता आर ऑल्सो अफ्रेड ऑफ पुलिस, ऐसा देखा गया है कि जो क्रिमिनल्स जो डरते हैं उनके अलावा भाई हमारा जो आम जनता है उन लोग भी खाकी वर्दी से डरते हैं, ये बता रहे हैं, ठीक है। और आगे बता रहे हैं उसी में, दे हेजिटेट, जो आम जनता है वे हेजिटेट होते हैं टू गो टू द पुलिस एंड टेल देयर प्रॉब्लम, आम जनता संकोच करती है पुलिस के पास जाने और अपना प्रॉब्लम एंड देयर प्रॉब्लम को बताने, टेल करने में, अपने प्रॉब्लम को बताने में आम जनता पुलिस के पास जाने से भी डरती है, हेजिटेट होती है, संकोच करती है, हेजिटेट होना मतलब संकोच करना है, शब्दों को पकड़ो, बहुत टफ लैंग्वेज है, एकदम आसान भाषा में समझाया हूं। आई विल रिमूव, मैं इसे समाप्त करूंगा, किसे, ये जो बीच की खाई है, ये जो हेजिटेशन है ना लोगों के बीच में, उसे मैं दूर करूंगा। आई विल रिमूव ऑल दिस नेगेटिव थॉट्स, ये जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, नकारात्मक विचार हैं लोगों के मन में कि खाकी वर्दी देखते हैं डर जाते हैं, कुछ क्राइम हुआ छोड़ ना हटाना, पुलिस हमें उल्टा प्रताड़ित करेगी, ये जो विचार है इसको मैं, नेगेटिव थॉट्स जो हैं, ऑल दिस नेगेटिव थॉट्स आई विल रिमूव, जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं उसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ, हटाना चाहता हूँ, मिटाना चाहता हूँ, ठीक है, दूर करना चाहता हूँ, रिमूव करना चाहता हूँ मतलब दूर करना। एंड विल क्रिएट, और मैं बनाऊंगा, ठीक है, और बनाऊंगा अ क्लीन सोसाइटी, साफ सुथरा स्वच्छ समाज बनाना चाहता हूं, बनाऊंगा बाय रिमूविंग, हटाते हुए द गैप, गैप को आप ट्रेंच भी यूज करते सकते हैं, ठीक है, ट्रेंच, ट्रेंच मतलब होता है खाई, बिटवीन द पुलिस एंड पब्लिक, और मैं पुलिस और आम जनता के बीच में ये जो खाई बन चुकी है इसे मैं ट्रेंच, ट्रेंच मतलब खाई, खाई नहीं समझ में आएगा, याद नहीं आएगा ट्रेंच, तो आप गैप वर्ड यूज कर लेना, ठीक है, इस खाई को दूर करना चाहता हूं और एक स्वच्छ वातावरण बनाना चाहता हूं, ठीक है। आगे आई लुक फॉरवर्ड, मैं अग्रसर हूं, लुक फॉरवर्ड होना मतलब अग्रसर हूं, ठीक है, टू बिकमिंग, टू बिकम होना चाहिए, टू बिकम एन ऑफिसर, टू क्रिएट एन हेल्दी इन्वायरमेंट, मतलब मैं जनता और पुलिस के बीच जो खाई है उसको दूर करते हुए और अच्छा एक वातावरण, समाज में एक अच्छा वातावरण बनाने के लिए मैं आगे की ओर अग्रसर हूं, मैं तत्पर हूं, अग्रसर हूं को आप तत्पर हूं करके सेंस में भी यूज कर सकते हो, कि मैं ये खाई को दूर करने के लिए, खाई को दूर करने के लिए पुलिस ऑफिसर बनने के लिए मैं तत्पर हूं, ऐसा करके सेंटेंस आप खत्म कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं, ये हो गया आपका क्या, एंड, क्लियर हुआ, आपको समझ में आया, मजा आया ना, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। एक्चुअली क्या है, टाइम नहीं है, मेरा एक्सीडेंट के कारण मैं 10 दिन कम से कम वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, बट जितना अभी हो रहा है उतना अच्छे से कर लो, बहुत टफ नहीं है,
मैं 2 दिन आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, कर लीजिए भाई, बढ़िया से कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। सब अपने भाई बहन हैं, कहते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुख मा भाग भवे, बोलते हैं ना, मतलब सब सुखी रहे भाई, सबका जॉब लग जाए, मैं यही चाहता हूँ, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर करें। ओके, चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।